पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल अलग अलग हल्कों में अकाली दल प्रत्याशियों के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। आज सुखबीर बादल नाभा हल्का पहुंचे, जहां हल्के के सभी अहदेदारों के साथ काफी समय तक बंद कमरे में मीटिंग की गई। इस मीटिंग में सुखबीर बादल ने सभी अहदेदारों को एकजुट हो अकाली दल प्रत्याशी कबीर दास के हक में चुनाव प्रचार के लिए दिन रात काम करने के आदेश भी दिए। इस दौरान नाभा से प्रत्याशी कबीर दास और जिला प्रधान रणधीर रखड़ा ने कहा कि पार्टी प्रमुख सुखबीर बादल के ने नाभा आने से वर्करों को बल मिला है, आगे अकाली दल की ही सरकार बनेगी। पार्टी के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल जी उचेचा तौर पर नाभे च अपने वर्करां जिहड़े साडे जथेदार साहब ने, साडे ब्लॉक समिति के मैंबर साहब ने और साडे दोवें कमेटियां दे कौंसलर साहब ने, इन्हां नूं एक जुट करन वास्ते और वर्करां दे विच उत्साह पैदा करन वास्ते अज साडे विच आए आ। और साडा एक एक वर्कर अज नाभे विच बादल साहब दे नाल खड़ा हो के भरोसा दवाया भी ऐतकी असीं बहुत वड्डी गिणती नाल श्रोमणी अकाली दल नूं जितावांगे। नाभे हल्के दे अपने वर्करां नूं मिल के आया, उन्हां नूं सारिआं नूं बेनती करन वास्ते कि आपां डट के इकट्ठे हो के आपां इलैक्शन लड़ना है, तो सारिआं नूं असीं मीटिंग कीती है, बड़े सारे इकट्ठे हो के इन्हां तैयारी च है पूरी वड्डी लड़ाई लड़ाई लड़न वास्ते। मैं थोनों असली हूँ जिमें ना असलीत जिमें पहली सामने आ गई है। मैं पहले भी कहा कि केजरीवाल आप पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना चाहना है, हरियाणे का बंदा पंजाब चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है। जे केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बनता है ना इतने पानी रहना है ना अपनी राजधानी रहनी है, सारा कुछ उन्हें ले जाना है। जिहड़ा बंदा अपना पंजाब का नहीं आ मैं ना सब अभी पहले भी गया हूँ सामने आ गई सारी चीज़, तो मैं कहना पंजाबी किसी बाहर के लोगों बन नहीं देंगे। आज आरटीवी न्यूज़ के लिए नाभा से राजेश बजाज की रिपोर्ट।